हर व्यक्ति अपने परिवार के मृतकों की मुक्ति या मोक्ष की कामना करता है। कई बार मुक्ति और मोक्ष को एक ही मान लिया जाता है। सामान्यतः ये अर्थ निकाला जाता है कि जन्म मरण से छुटकारा मिलना ही मुक्ति या मोक्ष है। आइए जानते हैं दोनों के बीच के फर्क को। जब कोई सामान्य व्यक्ति मरता है तो उसकी सदगति के लिए श्राद्ध या तर्पण करते हैं। कहते हैं कि कर्मों के अनुसार व्यक्ति यदि पशु पक्षी या प्रेत आदि बन गया है तो उससे मुक्त होकर वह पुनः मनुष्य योनि में आ जाए या देवलोक चला जाए। इसके लिए गया में श्राद्ध कर्म किया जाता है। जैसे कोई रोग से मुक्ति हो जाए, कोई बुरी योनि से मुक्त हो जाए या कोई नर्क से मुक्त हो जाए, यही मुक्ति का अर्थ है। परंतु मोक्ष इससे भी बढ़कर है। मोक्ष की धारणा वैदिक ऋषियों से आई है। भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन साधना में बिताना पड़ा। महावीर को कैवल्य प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ी और ऋषियों को समाधि प्राप्त करने के लिए योग और ध्यान की कठिन साधनाओं को पार करना पड़ता है। अतः सिद्ध हुआ कि मोक्ष को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। मोक्ष प्राप्त करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूटकर भगवान के समान हो जाता है। मोक्ष मिलना आसान नहीं। दुनिया में सब कुछ आसानी से मिल सकता है, लेकिन खुद को पाना आसान नहीं। खुद को पाने का मतलब है सभी तरह के बंधनों से मुक्ति। ये आम धारणा है कि मर कर मिल जाती है मुक्ति। मर कर इस जन्म के कष्टों से मिल जाती होगी मुक्ति, लेकिन फिर से जन्म लेकर व्यक्ति को नए सांसारिक चक्र में पड़ना होता है। प्रभु की कृपा से व्यक्ति के कष्ट दूर हो सकते हैं, दूसरा जन्म मिल सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष के लिए व्यक्ति को खुद ही प्रयास करने होते हैं। प्रभु उन प्रयासों में सहयोग कर सकते हैं। मोक्ष एक ऐसी दशा है जिसे मनोदशा नहीं कह सकते। इस दशा में न मृत्यु का भय है, न संसार की कोई चिंता, सिर्फ परम आनंद, परम होश, परम शक्तिशाली होने का अनुभव। मोक्ष समयातीत है, जिसे समाधि कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ सिर्फ जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना ही नहीं। बहुत से भूत प्रेत और देव आत्माएं हैं जो हजारों या सैकड़ों वर्षों तक जन्म नहीं लेती, लेकिन उनमें वह सभी वृत्तियां विद्यमान रहती हैं जो मानव में होती हैं। भूख, प्यास, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय आदि। सिद्धि प्राप्त करना मोक्ष या समाधि प्राप्त करना नहीं है, ये ईश्वर से साक्षात्कार करना भी नहीं है। ध्यान को छोड़कर संसार में अभी तक ऐसा कोई मार्ग नहीं खोजा गया है जिससे समाधि या मोक्ष पाया जा सके। लोग भक्त की बात जरूर करते हैं, लेकिन भक्ति भी ध्यान का एक प्रकार है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी और किसकी भक्ति, ये खोजना जरूरी है। गीता में जिन मार्गों की चर्चा की गई है, वे सभी मार्ग साक्षित्व ध्यान तक ले जाकर छोड़ देते हैं। योग के सभी आसन ध्यान लगाने के लिए होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।